बोला। एक और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर दिखाई दी वो महिला वोटर्स की, और वो आपके कई आप जो एक किताब जो आपने लिखी है उसमें भी आपने महिलाओं पर एक अलग से चैप्टर लिखा हुआ है। उसके बिना हो नहीं सकता इलेक्शन। इंटरेस्टिंग बात इस चुनाव में भी आपके प्रेडिक्शन में भी ये था कि 44% महिलाएं जो कांग्रेस का जो वोट शेयर है उसमें से 44% शेयर जो है वो महिलाओं का उसमें दिखाई दे रहा है, जबकि पुरुषों का वोट शेयर 4% कम है कांग्रेस केस में। और वही अगर हम बीजेपी से कंपेयर करें तो बीजेपी से करीब करीब 10-11% ज्यादा महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दिया नजर आ रहा है हमें। क्या इसको हम ये मान के चले कि जो रोजमर्रा के इश्यूज, खास करके प्राइस राइज है या फिर बेरोजगारी है जिससे घर में काम करने वाली महिला को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, वो इश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए कर्नाटक के चुनाव में जिसके वजह से महिलाओं ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस को वोट दिया, या कांग्रेस के पक्ष में वो सड़क पर उतरी और उनको वोट दिया गया, क्या समझ सकते हैं हम लोग इसके बारे में? देखिए, महिलाओं का वोट क्यों जरूरी है इलेक्शन के मायने में उसका थोड़ा सा मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो कि सबसे ज्यादा अहम है। वो क्यों अहम है मैं क्यों बताता हूँ। अहम तो है बट क्यों है, क्योंकि दोनों महिला पुरुष 50-50% है, लेकिन महिलाओं का वोट अहम क्यों है और महिलाएं अब जो है वो क्यों पुरुषों से अलग जाके वोट कर रही है ये समझने की जरूरत है। हम ये सब जानते हैं कि भारत कहते हैं कि एक पुरुष प्रधान देश है। ठीक, पुरुष प्रधान देश का मतलब क्या था? पुरुष प्रधान देश का मतलब ये था कि पूरे कंट्री के अंदर 80% से ज्यादा है जो महिलाएं हैं वो अपने पुरुषों के ऊपर उनका जीवन व्यापन निर्भर करता था। ठीक, जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का लेवल बढ़ा, और वो साउथ में जो हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा एजुकेशन है, तो सबसे पहले साउथ में हम ये पाते हैं कि करीब 60% बहुत बड़ा नंबर है, 100 महिलाओं में से 60 महिलाएं पुरुषों के हिसाब से नहीं जाती है अपनी च्वाइस बनाने में किसको वोट करना है। उसको घटते घटते जो है वो नॉर्थ में उठ के जाके राजस्थान में जो है केवल 20 रह जाता है वो आज भी। उसका सबसे बड़ा असर है कि राजस्थान में एजुकेशन और खासकर महिलाओं की एजुकेशन तो उत्तर भाषी राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे आप पाएंगे आंकड़ा उठ के जो यहाँ 60 होता है वहां करीब 20-30 चला जाता है। वो क्यों हुआ ऐसा? और दूसरी बड़ी वजह यह कि महिलाएं और जो 100 वोट पड़ते हैं, 100 वोट जो 100 मशीन, जैसे यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ 73% वोट पड़े इस बार, 72% पिछली बार थे, 72% पिछली बार थे, इस बार 73.1% वोट पड़े, 1% बहुत ज्यादा पड़ा, बहुत बड़ा नंबर लगता है जब आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ते जाती है तो 1% बहुत बड़ा नंबर, पुरुषों से ज्यादा वोटिंग किया है महिलाओं। हाँ, तो इस बार महिलाएं क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझिए चीजों को। तो जो 100 वोट पड़े, मैं कह रहा था जो वोट करने नहीं आया उसको छोड़ दीजिए, जो 30% नहीं आया उनको छोड़ दीजिए, 28%, उसमें से 80% वोट ऐसा होता है जो उनका जीवन निर्भर करता है सरकारी सुविधाओं और सरकारी व्यवस्थाओं के ऊपर, 80% लोगों का। और जब हम सरकारी सुविधाएं और व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले घर के अंदर महिला को ही घर चलाना है, यदि पुरुषों की कमाई से पाल पूरा ना पड़े तो महिलाएं सरकार की तरफ देखते हैं कि सरकार से रोजमर्रा के जीवन में उनको क्या क्या व्यवस्थाएं और सुविधाएं मिली है थ्रू वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम्स और बेसिक अमेनिटीज जिसको आप कहते हैं उसके थ्रू। तो महिलाएं जो है आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में एजुकेशन की वजह से इज वेल इन्फॉर्म्ड, जब हम इन्फॉर्म्ड कहते हैं तो उनको बड़े अच्छे से पता है। देखिए, हर जगह पे, हर लोकेशन पे 3 सड़कें होती हैं। महिलाओं को ये पता है कि इस सड़क के लिए नगर पालिका जिम्मेदार है क्या, इस सड़क के लिए स्टेट हाईवे, स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है क्या, या ये सड़क नेशनल हाईवे की है, इतना वो आकलन कर पाने में सक्षम है। तो उनको अब अच्छे से पता है कि किस सरकार से क्या सुविधाएं और व्यवस्थाएं उनको मिल रही है और उसके हिसाब से वो अपना निर्णय लेती है। रह गई बात इस बार की, तो जो मैंने बताया राज्य सरकार का जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल भी महिलाओं के या डिलीवरी की जो हम एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं उसके अनुरूप नहीं था। बनिस्वत उसके जो पिछली बार की सरकार थी सिद्धरमैया जी की सरकार, इस बार बहुत सारी चीजें आई है बट वो ज्यादा करके चीजें केंद्र सरकार की तरफ से आई है लोगों के पास। जैसे हम फ्री राशन की बात कर ले, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 10 किलो अनाज मिल रहा है लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, गैस सिलेंडर मिल रहा था फ्री कनेक्शन मिला सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से,
टॉयलेट के लिए पैसे मिले थे, टॉयलेट बने थे अच्छी बड़ी संख्या में पिछले 8 से 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मोदी जी आए तो थे चुनाव में, उसके बाद मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। उसके बाद जनधन अकाउंट जिसके तहत किसानों को भी किसान सम्मान निधि मिल रहा है, 6000 रुपए मिलते हैं, 6000 रुपए मिलते हैं और महिलाओं के हाथ में अब पैसे पहुंच रहे हैं, समझिए आप। ठीक। जो सुविधाएं पूरे घर को मिलनी चाहिए वो उसमें महिलाओं के हाथ में उनके बैंक अकाउंट में जनधन अकाउंट के तहत। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। अब जब वोटर को एक निर्णय लेना है तो मैंने जैसे बताया ना, हर चीज का आकलन करते हैं। जैसे महिलाएं घर में खाना भी बनाते हैं ना, तो आप नमक शक्कर कम ज्यादा नहीं कर सकते किसी चीजों में, है ना, नमक मिर्च को हिसाब से, सब चीजों को इंग्रेडिएंट्स को हिसाब से करना पड़ेगा। तो महिलाओं को अच्छे से पता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल पहले, 5 साल पहले क्या दिया था और इस बार क्या दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिया था और क्या नहीं दिया। इसके चलते और बड़ी बात, जैसे मैंने वादे कहा, इस बार जो कांग्रेस सरकार ने देखी, 3 वादे कौन से, 4-5 वादे की, 5 गारंटी योजना की, 5 में से 4 है वो प्योर महिलाओं के लिए। चूल्हा है 2000 रुपए मिलेंगे, बस महिलाओं को फ्री होगी। तो आप समझ रहे हैं इस चीज को, तो लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया। क्यों विश्वास किया? क्योंकि वो सिद्धारमैया गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस देख चुके।